पंखुड़ी वैसे तो अपने बॉयफ्रेंड जिगर से बहुत प्यार करती थी और लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे अपना रोमांस सबके सामने जाहिर करने की बहुत गंदी आदत थी। एक दिन वो साथ में शर्मा जी कॉफी कैफे में बैठे होते हैं और साथ में बात करते हुए कॉफी पी रहे होते हैं। तभी पंखुड़ी के मन में प्यार उमड़ता है और वो अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में देखकर उसका हाथ थाम लेती है। जान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ पंखुड़ी, मैं तो ठीक हूँ। जिगर बेबी, तुम हाथ क्यों हटा रहे हो? पकड़ने दो ना। पंखुड़ी, यहाँ सब लोग है, वो हमें देखकर क्या बोलेंगे? और तुम्हें पता तो है ना कि मुझे ये सब करते हुए बहुत शर्म आती है। अब प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। जिगर, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हक से तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। कोई और थोड़ी हूँ मैं जो तुम अपना हाथ छुड़ा रहे हो मुझसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो मेरे लिपस्टिक के निशान वाली कॉफी, यहाँ से पियो ना तुम भी। पंखुड़ी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे शर्म आ रही है। वो तो मुझे भी दिख रहा है तुम कितने शर्मा रहे हो यार। लड़कियाँ भी इतना नहीं शर्माती जितना तुम शर्मा रहे हो। चलो पियो चुपचाप। अच्छा ठीक है, पीता हूँ। ये बोलकर अब जिगर उसके लिपस्टिक के निशान वाली कॉफी पीता है। थोड़ी ही देर में दोनों क्लब में जाते हैं और साथ में ड्रिंक्स लेकर नाच रहे होते हैं। और पंखुड़ी रोमांटिक होकर कहती है, क्या जिगर, थोड़ा पास आकर डांस करो ना, क्या दूर दूर भाग रहे हो तुम? यार, यहाँ किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो क्या बोलेंगे? अरे जिगर, फ्रेंड्स को पता ही है और फैमिली तो यहाँ आने से रही, तो कौन पहचानेगा? वैसे भी डिस्को में अंधेरा होता है, यू नो ना। हाँ, वैसे तुम्हारी बात सही है। पंखुड़ी की बात को सुनकर जिगर उसके करीब आकर नाचने लगता है। वहाँ से आने के बाद दोनों बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। तभी अचानक ही पंखुड़ी की नज़र एक कपल पर जाती है जहाँ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिटार बजाकर गाना गा रहा था। तभी पंखुड़ी के जज्बात फिर से उमड़ आते हैं और वो जिगर को उन कपल को दिखाती है और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर प्यार से उससे फरमाइश करती है। जान देखो ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितने प्यार से गाना गाकर गिटार बजा रहा है, तुम भी मेरे लिए करो ना, प्लीज प्लीज जिगर। अच्छा ठीक है, अपनी जान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिगर उस लड़के से अपनी जीएफ के लिए गिटार लेकर आता है और बजाते हुए गाने भी लगता है। मेरी गला हो गई मशहूर, करना कभी ना तू मुझे नजरों से दूर, ओ किथे चलिए किथे चलिए किथे चलिए। ओ हाउ रोमांटिक, मेरे प्यारे से जिगर, सच में बहुत अच्छा सॉन्ग गाया आपने और गिटार भी बहुत अच्छा बजाया, कहीं सीखा था क्या पहले? नहीं नहीं, वो बस तुक्के से हो गया, वो दिल से बजाया था ना, तो पसंद तो आना ही था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये बोलकर पंखुड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे सबके सामने गले से लगा लेती है, जिसके बाद सब लोग भी तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जिगर को शर्म आती है। अरे जान, अब बाहर है, सब देख रहे हैं हमें। ओह सॉरी सॉरी, एंड लव यू सो मच मेरे प्यारे जिगर जी। जिसके बाद पंखुड़ी जिगर की बाइक पर बैठती है और जिगर उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था। पंखुड़ी उसे बाइक पर बैठे हुए कस की थाम लेती है और जिगर कहता है, अरे पंखुड़ी ये क्या कर रही हो? अरे मुझे मत पकड़ो, मुझे शर्म आ रही है, अरे गुदगुदी भी हो रही है। अरे जिगर, हाथ ही तो रखा है कमर, तो पकड़ने दो। पंखुड़ी समझने की कोशिश करो, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम दोनों गिर जाएंगे। अगर हम दोनों गिर गए ना तो रोमांस तो हो नहीं पाएगा ना। एक काम करते हैं ना, हम कल मिलते हैं और कल ना तुम जो करना है कर लेना, लेकिन अभी के लिए कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं पकड़ रही। अब पंखुड़ी भी उसकी कमर से हाथ हटा लेती है, लेकिन कुछ पल के लिए गुस्सा होकर खुद ही मान जाती है। कुछ देर के बाद में पंखुड़ी का घर आता है और जिगर उसे ड्रॉप करता है। पंखुड़ी उससे विदा लेते हुए कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, पता है मम्मा मुझे 2 दिन से कह रही हैं जिगर से मिलवा दे, जिगर से मिलवा दे, मिलवा दे, तो कल तुम मेरे घर आकर मिल लो ना। अच्छा ठीक है, उन्हें बोल देना कि हम कल आएंगे। अब तो हम कल मिलेंगे और शादी की बात करेंगे, फिर हम साथ साथ रहेंगे। खुशी से पंखुड़ी उसे किस करके घर के अंदर जाती है। घर जाकर पंखुड़ी अपनी माँ शलाका के गले से लग जाती है। माँ, कल आपका दामाद आपसे मिलने आ रहा है, खुश हो जाइए, आपने ही बुलाया था ना। अच्छा कब आ रहा है, कितने बजे? कल 11 बजे के बाद आएगा। ठीक है, थोड़ा सा घर सजा लियो और थोड़ा अच्छा लंच बना लियो उसके लिए। ओफो, कल अब मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है मैं कर दूंगी। अच्छा मम्मा एक बात बताओ ना, आप अपनी जवानी में बहुत रोमांटिक होंगी ना,
तो मुझे भी एक दो टिप्स दे दीजिए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है ना जिगर के साथ। हट पागल, कैसी बातें कर रही है, मुझसे शर्म नहीं आती। तेरी उम्र में मैं तो ऐसा बोलती तक नहीं थी, और तू नलायक है कि सीधे मुझसे बात करने आई है। और शादी कर लेगी तो खुद ही पता चल जाएगा बाद में। अच्छा ठीक है माँ। अगले दिन दोनों की माँ रिश्ते की बात पक्की भी कर देती है, साथ में लंच करती है। तभी पंखुड़ी रोमांटिक होकर जिगर के पैरों को अपने पैरों से सहलाने लगती है। जिगर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसके माथे पर डर के मारे पसीना आने लगता है। वो पैर को हटाने को कहता है, लेकिन पंखुड़ी तो ढीठ थी, वो नहीं मानती और साथ ही उसे आंख भी मारती है। जिगर की शक्ल पर ही 12 बज जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी माँ और सास दोनों के सामने बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, अरे पंखुड़ी, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए तुम्हें कि हम कहाँ हैं और किसके साथ है। ये लड़की मुझे मरवाएगी, अगर मेरी माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी वो। जिगर आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं, प्लीज खाइए ना। हाँ बेटा खाओ ना। समधन जी आप भी कुछ लीजिए, तीखा मीठा, आपकी बहू ने ही बनाया है। जी जरूर। आंटी जी, क्या मैं आपको माँ जी बोल सकती हूँ? हाँ बेटा बोलो। वो माँ जी, मैं जिगर जी को घर दिखा कर आऊँ, पहली बार आए हैं ना वो भी। चलो दिखा दो घर, जब तक हम दोनों बात भी कर लेंगे और तुम दोनों भी बात कर लोगी थोड़ी सी अकेले में। समधन जी आप तो बड़े ही खुले विचार की हैं, बच्चों को तो बात करने के लिए भी भेज रही हैं, पहले तो शक्ल तक नहीं दिखाई जाती थी। वो तो है समधन जी, चलो बच्चों जाओ। ओमा की बात सुनकर पंखुड़ी उसे ले जाती है और घर दिखाती दिखाती अपने रूम में ले जाती है और उसकी तरफ अपने धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगती है। जिगर की सांसें भी बढ़ने लगती है और वो उससे बोलता है, ये पंखुड़ी क्या कर रही हो तुम? तुम इतने करीब क्यों आ रही हो? अब तो दोनों की मम्मी ने हमें अकेले में भेज दिया, तो ये मौका ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर पंखुड़ी रोमांटिक होकर उसे बेड पर धक्का दे देती है और उसके बहुत नजदीक जाती है। पंखुड़ी उसे किस करने ही वाली थी कि ओमा जाने के लिए जिगर को आवाज लगाने लगती है। ओ पंखुड़ी, सुना सुना, माँ बुला रही है, अब तो जाना पड़ेगा। ओह नो, पता नहीं तुम कब मिलोगे। कितनी रोमांटिक हो तुम, आज मौका था लेकिन माँ ने बुला लिया, तो कोई बात नहीं ना, शादी तक वेट कर लो। यार कितना वेट करूँ मैं, चलो जाओ, सासू माँ बुला रही है मेरी। दोनों नीचे आते हैं और जिगर अपनी माँ के साथ घर चला आता है। कुछ ही दिनों में दोनों के घर वाले शादी का एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल कर कुछ ही महीनों में दोनों की शादी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ करते हैं। शादी के रात ही पंखुड़ी बहुत रोमांटिक मूड में थी। वो जिगर के करीब जाती है और जिगर नखरे करके उसका मूड ही खराब कर देता है। अगली सुबह पंखुड़ी का मुंह फूला हुआ था, वो अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर रही थी और उसकी शक्ल देखकर जिगर समझ जाता है कि वो नाराज थी। क्या हुआ जान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मुंह क्यों बना रखा है तुमने, बोलो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम तो रहने दो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे, इसलिए मुझे बोलो मत, वरना इससे जला दूंगी तुम्हें। मेरा स्पेशल डे भी खराब कर दिया तुमने। लोग तरसते हैं कि उनकी वाइफ रोमांटिक हो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई कदर नहीं है, बस शर्माना आता है और बहाने बनाओगे। बेबी शांत हो जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चांस और दे दो, अब की बार मना नहीं करूँगा। तुम बोलो मत, भूली नहीं हूँ रात की बात, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। ओ मेरा चांद का टुकड़ा रूठ गया मुझसे, पंखुड़ी, ओ पंखुड़ी, अरे आई लव यू सो मच, अरे माफ कर दो ना। बट आई हेट यू। ये बोलकर पंखुड़ी अब उसके सामने से चली जाती है। जिगर को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो उसे खुश करने के लिए अब शाम का इंतजार भी करने लगता है। शाम को जिगर जब ऑफिस से आता है तो उसके लिए गुलाब का बुके और डायमंड रिंग भी लेकर आता है। जैसे ही पंखुड़ी कमरे में जाती है, जिगर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और पंखुड़ी कहती है, जिगर तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, उतारो। नहीं आज तुम मेरी सुनोगी। ये बोलकर जिगर अब उसे बेड के पास ले जाता है और पंखुड़ी देखती है कि पूरा कमरा बहुत सुंदर डेकोरेट हो चुका था, रोमांटिक माहौल बना हुआ था। जिगर उसे बेड पर प्यार से बिठाता है और खुद घुटनों के बल बैठकर उसे वो रिंग देते हुए सॉरी बोलता है। जान सॉरी कल के लिए, कल तो मैं फेल हो गया था, लेकिन आज तो मैं तुम्हें पास होके दिखाऊंगा। ये तुम्हें क्या हो गया है जिगर एकदम से? अब तो मैं भी रोमांटिक हो गया हूँ मेरी जान, वो भी तुम्हारी तरह। ये बोलकर जिगर उसे अपनी ओर खींचकर एक किस कर देता है
जिसके बाद दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। इस तरह पंखुड़ी की जिगर के साथ रोमांस करने की तमन्ना भी पूरी होती है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रोमांस करते हैं। संगीता को अपनी पांचों बहुओं के आने से खुशी थी। संगीता का ये मानना था कि उसकी पांचों बहुएं जो हैं, वो पूरे घर को अच्छे से संभाल लेंगी और बहुओं के आने से घर में रौनक भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि संगीता की तीन बहुएं पढ़ाकू हैं और दो बहुएं अनपढ़ हैं, जिनमें इसी बात को लेकर आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन संगीता की बड़ी बहू प्रीति अपनी बुक की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ संगीता के तीसरे नंबर की बहू भूमि हाथ में बुक लिए आती है और बोलती है, अरे ओ प्रीति दीदी, ये आपकी किताब ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, थोड़ा संभाल कर रखिए ना, हम कल बाकी के कूड़े के साथ इन्हें भी फेंक देते। तुम पागल हो, मैंने बुक यहीं रखी थी तो कूड़े के पास कैसे जा सकती है, तुम ना पागल मत बनाओ। अच्छा जी, हम पागल बना रही हैं आपको, लोग कर लो बात। आपको तो हमारा वो अंग्रेजी में का बोलते हैं थांकू करना चाहिए, और आप है कि खुले सांड की तरह हम पर ही चिल्ला रही हैं। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हो तुम, अरे थोड़ा तो सोच कर बोलो, हमेशा क्या ये जाहिर करना जरूरी है कि तुम अनपढ़ ही हो। कितना समझाया है कि थोड़ा सलीके से बात किया करो। ओ दीदी, आपको भी कितनी बार समझाया है कि हमको अनपढ़ मत बोला करिए बार बार, वरना तो हम भी आपको उल्टी सीधी सारी गिनती याद दिला देंगी, बुझी के नहीं। तुम मुझे धमकी दे रही हो, पता है ना किसी को धमकी देना क्या होता है। नहीं, हमको बकवास चीजों को जानने की इच्छा भी नहीं है, आप ही जानिए बढ़िया ही हमें अनपढ़ बोलने वाली, अंग्रेजी के दो अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है, बोर्डम कहेगी। मुझे बोर्डम बोला, रुको तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि अंग्रेजी होती क्या चीज है। दोनों में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और दोनों की आवाज बाहर तक जाने लगती है। ये सुनकर वहाँ संगीता आ जाती है और दोनों को बहस करते देख संगीता बोलती है, तुम दोनों इतनी जोर जोर से लड़ाई क्यों कर रही हो, अरे बाहर तक आवाज जा रही है, आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे हैं तुम लोगों के बारे में, और तुम लोग क्यों लड़ रही हो। माँ जी, आप ना मुझे बोलने से अच्छा है भूमि को बोलो, खुद तो अनपढ़ है और कोई इसे अनपढ़ बोल दे तो ऐसे भड़कती है मानो पता नहीं कौन सी पढ़ाई की हो इसने। माँ जी आप ही बताइए, अब हमने प्रीति दीदी की किताब लौटा दी तो कौन सा पाप कर दिए, ये है कि पागल कुत्ते की तरह भौंके ही जा रही है हम पर। बस करो तुम दोनों, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम इतनी लड़ाई कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोला होगा तुम दोनों ने एक दूसरे को, अभी जाओ और दोनों काम करो अपना अपना। संगीता दोनों को चुप करवा कर वहाँ से भेज देती है और थोड़ी देर तक घर में शांति रहती है, लेकिन ये शांति सच में ही थोड़े देर के लिए रहती है, क्योंकि यहाँ संगीता ने चैन की सांस ली ही होती है कि वहाँ संगीता की चौथी बहू नेहा और पांचवी बहू पिंकी की बहस शुरू हो जाती है, और उन दोनों की बहस तो और भी ज्यादा बड़ी थी। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, संगीता की दूसरी बहू विधि भी आ जाती है और विधि बोलती है, तुम दोनों किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रही हो, जरा बताओ तो। मैंने बस इतना ही बोला पिंकी को कि तुमसे ये गुना भाग नहीं होगा, दो मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ। ये इतनी लड़ाई करने की बात तो नहीं थी, आपकी किताबों को आग लगा देंगे, हमको अनपढ़ बोलती हो ना। बस हाँ बहुत हो गया, तुम दोनों को एक तो हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं और ये नॉनसेंस करके हमें ही डरा रही हो। प्रीति दीदी आप कुछ बोलोगी या मैं समझाऊं अच्छे से। समझना तो अब तुम तीनों को पड़ेगा, चार किताबें तो हम भी पढ़ ले, लेकिन पागल लोगों की तरह हम नहीं करते, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया पढ़कर। और नहीं तो क्या, ये तीनों भी तो हमारे साथ इसी घर में ही है ना, और तो और रसोई में भी खाना बनाना पड़ता है, अब हमने इनकी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपना समय तो बर्बाद नहीं किया ना। जिसको एक अक्षर पढ़ने ना आता हो ना, वो यही बोल सकता है कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने से बच गया, लेकिन असल बात तो ये है कि तुम अनपढ़ लोगों के बस की बात ही नहीं पढ़ना लिखना। अच्छा तो तुम्हारे बस की क्या बात है, वो भी बता दो ना हमें। अरे अभी कुछ गीत गाना गाने को बोल दिया ना, सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। हम बोल रहे हैं, हमारे मुँह मत ही लगे, वही अच्छा होगा, बार बार पढ़ाई का ज्ञान कहीं और ही जा कर दो, यहाँ हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है ज्ञान में देने के लिए। अरे नालायक को बस भी करो,
किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ या तुम लोग जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते हो? माँ जी, आप ना इन तीनों पढ़ाकू भवों को अपने हिसाब से समझा दो, वरना हम समझाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी सबको। अरे जाओ ना, डरते नहीं है तुम दोनों अनपढ़ लोगों से। इंग्लिश में एक शब्द बोल देंगे ना, यही ढेर हो जाओगी दोनों। फिर बोलती रहना कि माँ जी आपने क्यों नहीं कहा इन्हें। तुम पांचों से बोल रही हूँ यही बस कर जाओ। कहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो तुम पांचों को घर से सीधा बाहर कर दूंगी। फिर करते रहना जो मन में हो। माँ जी लेकिन अभी भी समझ नहीं आया लगता है, समझाऊं क्या मैं अच्छे से? संगीता की धमकी से पांचों शांत हो जाती हैं, लेकिन बस उस समय के लिए। लेकिन संगीता भी अपनी ही बहुओं को घर से नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए कभी धमकी देकर तो कभी प्यार से समझाकर अपने घर के कलेश को कम करने में लगी रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, लेकिन कोई भी बहू सुधरने को तैयार नहीं होती है। कुछ दिनों बाद संगीता अपनी पांचों बहुओं के पास जाती है और बोलती है, आज तुम्हारी बुआ घर आने वाली है तो पांचों ना कोई लड़ाई झगड़ा करना और ना ही कुछ ऐसी हरकत करना जिससे मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा सा खाना बना दो अब। माँ जी मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा, मुझे पढ़ाई करनी है, आप इन सबको बोल दो। माँ जी मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं भी खाना नहीं बना सकती हूँ। माँ जी आज तो मुझे अपना जरूरी चैप्टर खत्म करना है। ये दोनों है ना, आप इन्हें बोल दो, वैसे भी इन्हें कहाँ पढ़ाई लिखाई करनी है, आप इन्हें ही बोल दो। पगला गई हो का? हम काहे सब काम करें, हम भी नहीं करेंगे कुछ काम, आप सबको काम करने को बोलो। और नहीं तो क्या, हम ही क्यों अकेले सारा काम करें? आप सबको बोलो तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं। रहने दो, तुम लोगों को मैं समझाने लगी तो मेहमान आकर चले भी जाएंगे, लेकिन ये बहस खत्म नहीं होगी। मैं खुद ही खाना बना लूंगी, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और तुम दोनों लड़ाई करो। संगीता फिर अपनी बहुओं के आगे शांत पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद संगीता के घर एक कुरियर वाला आता है और वो भूमि से बोलता है, मैडम यहाँ पर ये ऑर्डर भेजने के लिए बोला गया था, ये लीजिए। और हाँ, आपको पेमेंट भी करनी है, पूरे 10,000 की। इतनी पेमेंट? लेकिन क्यों? मैडम ऑर्डर के लिए करनी है। कुरियर वाला और भूमि बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पिंकी भी आ जाती है। क्या हुआ, ये कौन है भूमि दीदी? वो सामान देने आए हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो पैसे दो और भगाओ इन्हें। भूमि और पिंकी आपस में बात करके कुरियर वाले को पैसे दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नेहा और प्रीति आ जाती हैं और ये सब देखकर नेहा बोलती है, अरे ऐसे कैसे पैसे दे रही हो, कोई भी पागल बनाकर चला जाएगा ऐसे तो। और भाई साहब आप कहाँ से आए हो, और ये बताओ कि कहाँ से आया है कुरियर? वो मैडम। कुरियर वाला वहाँ से भाग जाता है। इतने में भूमि पिंकी दोनों अंदर आते हैं, तभी बाकी की तीन बहुएं बोलती हैं, ये समझदारी करना जरूरी है। हाँ अगर वो पैसे ले लेता तो तुम पागल बन जाते। हमें नहीं पता था कि वो धोखेबाज है, हम तो बस कुरियर वाला ही समझ रहे थे। देखो हम भी तुम्हारी तरह उसकी बातों में आ जाते तब क्या होता। मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप सही बोल रही हो, हमारी ही गलती है, आप हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकती हो ना। ये सब संगीता देख लेती है और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो बहुएं आपस में लड़ाई करती रहती थी वो एक दूसरे की मदद भी कर रही थी। दृष्टि एक चंचल स्वभाव की लड़की थी, नाम दृष्टि था लेकिन उसकी खुद की दृष्टि ठीक नहीं थी, मतलब दृष्टि की आंखें कमजोर थी जिसके कारण उसको चश्मा पहनना पड़ता था। साथ ही आलसी होने के कारण काम के बहाने बनाने में भी वो माहिर थी। ऐसे ही एक शाम उसकी सास शीला उससे कहती है, बहू मैं जरा पड़ोसन के घर माता की चौकी में जा रही हूँ, तो खाने की तैयारी कर लेना। माँ जी सही है, खुद जाकर आराम से माता की चौकी में बैठेंगी और मैं यहाँ पर काम करूँ? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही, मुँह में दही जम गया? माँ जी मैं भी जाना चाहती थी माता की चौकी में, वो क्या है ना शांति मिलती है भजन सुनकर, और आकर हम दोनों खाने की तैयारी कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा तो काम से बचना है तुझे, खैर चल तैयार होकर आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। दृष्टि जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ अपनी पड़ोसन आंटी सरला के घर माता की चौकी में जाती है, जहाँ पर चौकी के बाद सब एक एक करके आरती उतार रहे थे। और जब दृष्टि आरती उतारती है तो माता की मूर्ति से एक फूल दृष्टि की आरती की थाली में गिरता है। ये देखकर सरला कहती है,
अरे वाह शीला, तेरी बहू को तो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। कितनी भाग्यशाली है तेरी बहू तो। हाँ सरला, अच्छा है मैं इसे ले आई, इसी बहाने माता रानी ने इसे अपना आशीर्वाद तो दे दिया। अरे वाह, हवा से एक फूल मेरी आरती की थाली में क्या गिरा। इन सब ने तो इसको माता का आशीर्वाद समझ लिया, क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। कुछ सोच दृष्टि, क्या कर सकती है तू। काम न करने के बहाने ढूंढने वाली दृष्टि आज लोगों की भावना का इस्तेमाल करती है काम से बचने के लिए, और अचानक ही आरती करते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब वो होश में आती है तो शीला और सरला समेत चौकी में आई मोहल्ले की सारी औरतें उसके पास झुंड बनाकर बैठी हुई थी। इतने में दृष्टि की आंखें खुलने पर शीला उसे कहती है, बहू तू ठीक तो है, क्या हुआ था तुझे अचानक। माँ जी, मुझे अचानक चक्कर आ गए और आप मानेंगी नहीं, उसके बाद मुझे क्या दिखा, मुझे स्वयं माता रानी मेरी आंखों के सामने दिखी। उन्होंने मुझे कहा, दृष्टि तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरों के भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि देती हूँ। क्या, भविष्य देखने वाली दिव्य दृष्टि। अरे वाह, शीला की बहू को दिव्य दृष्टि मिली है। बहू ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंसान भविष्य नहीं देख सकता। माँ जी मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन ना जाने मेरी आंखें मुझे ये संदेश दे रही हैं कि आज कुछ देर में बारिश होगी। मुझे नहीं पता ये सच होगा या नहीं, बस मुझे महसूस हो रहा है मुझे आंखें बंद होने पर काले बादल बरसते हुए दिख रहे हैं। सुबह वेदर रिपोर्ट में आज रात की बारिश दिखाई थी, अगर आज सच में बारिश आ गई तो बस मेरा काम बन जाएगा। आज मौसम बहुत साफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे ऐसे ही चक्कर आ गए होंगे, चल घर चल आराम कर। शीला अपनी बहू को संभालते हुए घर ले जाने लगती है, लेकिन अभी वो सरला के घर से निकली भी नहीं थी कि तेज बारिश शुरू होती है। ये देखकर सरला के घर में खड़ी सारी औरतें बातें करने लगती है, और सरला भी शीला से कहती है, शीला तुझे तो मेरे घर माता की चौकी में आने का कितना फायदा हुआ, तेरी बहू को माता ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, सच में बहू तो बहुत भाग्यशाली है, माता की कृपा है तेरे ऊपर। ये सब बातें होने पर शीला तो दृष्टि को लेकर चली जाती है, लेकिन पूरे मोहल्ले में शीला की बहू की दिव्य दृष्टि के चर्चे हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले के बहुत से लोग शीला के घर के बाहर लाइन लगा कर खड़े थे, और जब शीला का बेटा शुभम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलने लगा तो बाहर इतने लोगों को देखकर वापस अंदर आकर वो शीला और दृष्टि को आवाज लगाकर बोलता है, माँ दृष्टि ये हमारे घर के बाहर इतने लोग क्यों हैं? कोई फ्री राशन बांटने का वादा किया है क्या आपने? हम कोई अंबानी के घर से थोड़ी है जो फ्री का राशन बांटेंगे। माँ जी आपने बुलाया है क्या सबको? मैं क्यों बुलाऊंगी, खैर तू यहीं रुक मैं पूछ कर आती हूँ। शीला दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों से अपने घर आने का कारण पूछती है, तो सभी उसको उसकी बहू की दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके अपना भविष्य जानने आए थे ये बताते हैं। ये सुनकर शीला सबको बाहर ही रोककर घर के अंदर जाकर कहती है, बहू ये तेरे लिए आए हैं, कल जो तूने सरला के घर बोला था कि माता रानी ने तुझे भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि दी है, वो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, अब बता क्या करें? क्या, ये क्या बकवास है, दृष्टि तुम्हें खुद को कुछ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, और तुमने कहा कि तुम लोगों का भविष्य देख सकती हो, पागल हो गई हो क्या? सच में मुझे माता रानी ने कहा था कि मैं लोगों का भविष्य देख सकती हूँ। आप दोनों हटिए, मुझे सबसे बात करने दीजिए। दृष्टि बाहर जाकर सबको लाइन लगाने को कहती है और खुद एक चौकी सी लगाकर उस पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है, और एक एक करके सबकी परेशानियां जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसका समाधान बताकर भेज दी जाती है। लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान सुनने के बाद दृष्टि को पैसों की भेंट देकर जाते हैं, जो दृष्टि को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसकी सास को नहीं। अब दृष्टि रोज ही ऐसे ही चौकी लगाकर बैठ जाती और घर के सारे काम शीला करती, जिसके चलते एक दिन चौकी लगाकर बैठी दृष्टि को शीला सबके सामने कहती है, बहू आखिर बंद भी करिए सब, मुझे लगा एक दो दिन का शौक होगा तेरा, लेकिन ये तो तेरा रोज का हो गया। तूने खुद को भगवान समझा हुआ है क्या जो ये दिव्य दृष्टि वाली बात करती है? आप सब भी सुन लीजिए, मेरी बहू के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, जाइए आप सब यहाँ से। दृष्टि के आगे बैठी उसके भक्तों की भीड़ में से सरला उठकर शीला से कहती है, शीला
तू माता के भेजे दूध के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे तो शुक्र मानना चाहिए कि तेरी बहू माता रानी के इतने करीब है और वो लोगों की समस्या का अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान कर रही है। सरला, मैं तुम सबकी तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ। माता रानी को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहू जो कर रही है गलत कर रही है। बहू, तू यूँ सबकी भक्ति और भावनाओं का मजाक बना रही है ना? एक दिन देखियो, तू खुद अपनी इस दिव्य दृष्टि का असर सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताएगी। माँ जी, ऐसा दिन नहीं आएगा। अब लोग मुझे इतना मानने लगे हैं कि मेरी झूठी बातें भी उन्हें सच लगने लगी हैं। शीला इतना बोलकर घर में चली जाती है और दृष्टि अपना ये दिव्य दृष्टि वाला ढोंग चालू रखती है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक सुमन नाम की औरत आंखों में आंसू लेकर आती है और बोलती है, हे देवी माँ, मैंने सुना है आपके पास दिव्य दृष्टि है। कृपया कर आप अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि मेरी गोद कब भरेगी। पिछले 7 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं। इसमें क्या बोलूँ, अब मैं बच्चा होगा ये तो नहीं बोल सकती, कोई और बहाना बना देती हूँ। देखिए, आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये कि आपकी गोद नहीं भर रही। इसलिए इस आस में मत रहिए कि कोई चमत्कार होगा। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार आपकी गोद नहीं भर सकती। दृष्टि के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमन टूट सी जाती है और अपने ससुराल में जाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन का पति उसे समय रहते बचा लेता है और समय पर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर सुमन को तो बचा लेते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो माँ बन सकती है। ये सुनकर सुमन अपने पति आरव को दृष्टि द्वारा बोली बातें बताती है और उसका पति आरव पुलिस को लेकर दृष्टि के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सब के सामने कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस औरत को, इसने झूठ बोला मेरी बीवी को कि वो माँ नहीं बन सकती कभी, और इसके कारण मेरी बीवी ने आत्महत्या करनी चाहिए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, वो माँ बन सकती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई आपकी बीवी से नहीं मिली। बहू झूठ क्यों बोल रही है? सुबह जो औरत आई थी सुमन, वही इनकी बीवी है। हमारी गली के एंडमैन का घर है और तूने सबके सामने बोला था कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सच में मैंने बस घर के कामों से बचने के लिए माता की चौकी वाले दिन एक छोटा सा झूठ बोला था। सबने ही उस दिन के बाद मुझे दिव्य दृष्टि वाली बना दिया। लोगों के विश्वास का फायदा उठाया आपने, जेल तो होनी ही चाहिए। माँ जी, आप कुछ बोलिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक झूठ बोला था ना, झूठ बोलने के लिए जेल थोड़ी होती है। बहू, मैंने बोला था इस बार जो तू कर रही थी ना, वो कोई मामूली झूठ नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ था, और भगवान ऐसे झूठ के व्यापार ज्यादा समय चलने नहीं देते। अब अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बाहर आने का समय देख लियो। शीला अपनी बहू को बचाने के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि उसने पहले ही बहू को समझाया था, लेकिन अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके दृष्टि ने ये झूठ का कारोबार चालू रखा, जिसका अंत उसे जेल जाकर भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।